तो ये सिर्फ और वोट की राजनीति करते हैं, भगवान को भी उसमें चुनाव में उतार देते हैं और उतार करके ईश्वर को उतार करके और वोट मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी इस तरह की जो नीति है, रणनीति है, उससे पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है और इस तरह के जो धर्म के नाम पे ये मुखौटा ओढ़ के और लोगों को धोखा देने का काम करते हैं उसको पहचान चुकी है। देखिए, हमारा ये हर मंडल पे, पहले हम लोग हर जिले पे गए थे, अब जिले के बाद में मंडलीय स्तरीय बैठकें हम लोगों की हो रही हैं, उसी में ये भी मंडलीय स्तरीय बैठक थी और इलाहाबाद में ये हमारी अब इसके बाद 7 मंडलों की और बची हुई है, 31 तारीख को ये मंडलीय स्तरीय बैठकें ख़त्म होंगी। उसी के तहत में हम लोग आए थे, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया था, कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी की जो मुखिया हैं बहन मायती जी, उनका संदेशा देने के लिए। अच्छा, एक महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस है, भाजपा है, सभी लोग कुछ करना कुछ कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, आप पार्टी की तरफ से भी कुछ? हमारी पार्टी की ने ही शुरुआत की महिला सम्मेलनों की, आपने देखा होगा, आपके इलाहाबाद शहर में भी 2-2 बैठकें हुई थी, हमारी खुद की धर्मपत्नी उसमें आई थी, उन्होंने लिया था, सम्मेलन किया था। उसके बाद जब महिला सम्मेलन पूरे प्रदेश में हम लोगों की तरफ से हो गए, होने लगे, तब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनको भी एकदम से नींद खुली कि हमें भी महिलाओं के बारे में कुछ बोलने की जरूरत, सम्मेलन करने की जरूरत। लेकिन पीछे पीछे आने से फर्क नहीं पड़ता, टिकट देने की बात है कुछ महिलाओं को, बिल्कुल टिकट में जब आपके सामने टिकट आएंगी तो आपको मिलेगा कि युवाओं को, महिलाओं को और हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के सब, हम लोगों का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उनको सभी को आपको देखने को मिलेगा कि खाली अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसमें कि इन लोगों को टिकट देने का काम करेगी, बेदाग लोगों को टिकट देने का काम करेगी और अब की बार सरकार बनाने का भी काम करें। बीजेपी अभी तक पहले राम मंदिर का मुद्दा था, अब वो काशी विश्वनाथ और मथुरा के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। देखिए, उन्होंने उनके पास कुछ है ही नहीं, 5 साल कुछ जब नहीं किया है तो इसी तरह का कार्य करेंगे। अयोध्या में गए, आपने अयोध्या में कभी जाके देखा है? देखिए तो उन्होंने क्या काम किया, अयोध्या में कुछ भी नहीं किया, 2 साल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आए हो गया, अभी तक नींव तक नहीं डाली है, शुरू नहीं किया है तो डालेंगे क्या? तो ये सिर्फ और वोट की राजनीति करते हैं, भगवान को भी उसमें चुनाव में उतार देते हैं और उतार करके ईश्वर को उतार करके और वोट मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी इस तरह की जो नीति है, रणनीति है, उससे पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है और इस तरह के जो धर्म के नाम पे ये मुखौटा ओढ़ के और लोगों को धोखा देने का काम करते हैं उसको पहचान चुकी है और अब की बार इनको सबक सिखाते हुए इनको यहाँ से बाहर करने का काम करेगी और बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।